चलो बेटा। आपने अभी तक बताया नहीं। हाँ मम्मा बताइए ना। आगे आगे यही सही समय निरंजन, शुरू हो जा। अरे मैडम कितनी बार सॉरी कह चुका हूँ आपको, आप समझती क्यों नहीं है मेरी बात को। लेकिन मैडम गलती से हो गया, कितनी बार कहूँ बताइए। बेटा आप लोग अपना बैग अपने कमरे में रख के नीचे दादी के पास जाओ, वो खाने के लिए आपका वेट कर रही है। हुँ? और सुनो अपना हाथ जरूर धो लेना। ओके मम्मा। देखिए मैडम आपका जो नंबर है वो पहले मेरे फ्रेंड जिग्नेश का था, इसलिए मैंने आपको जिग्नेश कहा और कोई रीजन नहीं। आई एम सॉरी और प्लीज प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करिएगा। अरे रीता तुम कब आई? तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरी हेल्प हो जाती, उस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। कौन लड़की? क्या बताऊं रीता, मेरा ना एक बहुत पुराना फ्रेंड है जिग्नेश, कई सालों बाद मुझे उससे कुछ काम पड़ा तो मेरे फोन में जो भी उसका नंबर सेव था मैंने उसे कॉल कर दिया, मगर फोन किसी लड़की ने उठाया। मुझे लगा कि या तो उसकी वाइफ होगी या बहन होगी या कोई फैमिली मेंबर होगी, तो मैंने उसे कहा कि जिग्नेश से मेरी बात कराइए, मगर रीता उस बदतमीज लड़की ने बिना कुछ कहे ही मेरा फोन काट दिया। बस फिर क्या था, एक दो बार उसे मैंने और फोन किया तो बार बार फोन उसी ने उठाया, गुस्सा करने लगी मुझ पे वो, धमकियां देने लगी मुझे पुलिस की वो रीता। एकदम पागल लड़की है रीता वो, पहले ही वो मुझे बता देती तो मैं उसे फोन ही नहीं करता ना। मुझे लगता है कि उसे लड़ने का शौक है। अभी कल तुम्हारे सामने यहीं पर फोन आया था ना उसका, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे सामने फिर से फोन आया था उसका, मैं तो डर गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने उसका फोन काट दिया। हाँ लेकिन रीता मैं बाहर गया और मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, मगर उसने मेरी बात समझी ही नहीं, और अभी फिर उसका फोन आया था मुझे, मगर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है रीता कि शायद उसे कुछ बात समझ में आ गई है। आई होप रीता की अब वो मुझे तंग नहीं करेगी। एक बार फिर मेरा ही शक झूठा निकला, मैं ही शक की इंसान हूं, निरंजन ने तो कुछ नहीं किया है, मैं ही पागल हूं। देख तुझे अगर लग रहा है कि मैं तेरे कॉलेज जैसा कोई तेरी इंक्वायरी करने नहीं आ रहा, मैं सिर्फ तेरे प्रोफेसर से मीटिंग कर रहा था और ये पता करने के लिए नहीं कि तूने पढ़ाई की या नहीं की, बस वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना, एक्स्ट्रा ट्यूशन, वो लगवाने हैं तेरे। नहीं लेनी है मुझे कोई प्राइवेट क्लासेस, इनफैक्ट मैं कॉलेज पढ़ना ही नहीं चाहता पापा, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई। उदय आइए, मारिए मुझे मारिए, यही आता है इन्हें, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। एक तो पहले बोलते हैं कि हर टाइम तेरा साथ दूंगा और अब ऐसा साथ दे रहे हैं आप। अरे पापा सच तो ये है कि आप सच सुनना ही नहीं चाहते। मैं सच नहीं सुनना चाहता, बोल सब खड़े हैं, बोल क्या सच है, है क्या सच बता। सच आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, मुझे म्यूजिशियन बनना है। अब बताइए आप देंगे मेरा साथ? हाँ क्यों नहीं, म्यूजिशियन बनना है ना तुझे तो बन म्यूजिशियन, पर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। लेकिन पापा अगर मुझे म्यूजिशियन बनना है तो मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, क्या मिलेगा मुझे पढ़ाई करके? पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद जो करना है तू कर। लेकिन पापा लेकिन कुछ नहीं, एक शब्द नहीं सुनूंगा, उठा अपना बैग और चल। मैं नहीं आऊंगा। उदय मैं कहता हूं उठ और गाड़ी में बैठ।
उदय मैं फिर से नहीं कहूंगा, उठ और गाड़ी में बैठ इसी वक्त। उदय बस मां बस, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं उससे सख्ती से पेश नहीं आऊंगा, पर इस वक्त सिर्फ सख्ती की जरूरत है और मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं, अंडरस्टैंड? उठ जा बेटा। उदय चल गेट अप। हाँ बेटा उदय उठ। बेटा आप दोनों अंदर चलो, मम्मा आती है। हुँ? चलो चलो। ये मम्मा भैया हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। उदय बहुत गुस्से में है, आप प्लीज प्यार से संभाल लीजिएगा। हाँ भैया प्लीज गो इजी ऑन हिम। भैया ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप प्लीज गुस्से से काम मत लीजिएगा। सॉरी मैंडी मैं नहीं आ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मीटिंग कैंसिल कर दो। उदय म्यूजिक चलाऊं, तेरा फेवरेट गाना? नहीं चाहिए। अच्छा सड़क अच्छी है, गाड़ी चलाएगा? तुझे पसंद है ना गाड़ी चलाना? मुझे नहीं चलाना है। देखो उदय मैं जानता हूं इस वक्त तू मुझसे बहुत नाराज है और तू समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। बात तुझे अब नहीं समझ में आएगी लेकिन यू विल रियलाइज दिस आज से 10-15 साल बाद। रियलाइज? अच्छा तो आज आपको ये बात रियलाइज हो चुकी है कि दादाजी ने जो भी किया था वो ठीक था? उदय